सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एटीएस टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बेरोजगार थे किंतु नशे और अयाश की जिंदगी जीना चाहते थे। चारों आरोपियों ने अपने अपने शौकों को पूरा करने के लिए कोई अच्छा काम धंधा खोजने की बजाय जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय भरत खत्री उर्फ मोंटू, 29 वर्षीय दिविज उर्फानी, 38 वर्षीय उपेंद्र व 34 वर्षीय भुवनेश के रूप में हुई है। चारों सट्टोरिय फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 38,920 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 LED, 1 कैलकुलेटर, 1 नोटबुक और मोबाइल चार्जर युक्त एक ब्रीफकेस बरामद किया गया है। दक्षिण पूर्व जिले की DCP आशा पांडे के निर्देशानुसार इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व जिले की AATS टीम इलाके में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर जुए पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में कहीं मैच पर सट्टा खिलाया जा रहा है। सट्टे के ठिकाने का पता लगाने के लिए इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। मुखबिरों ने इलाके में घूम घूम कर पता लगाया कि ईस्ट ऑफ कैलाश B179 की दूसरी मंजिल पर सट्टा खिलाया जा रहा है और मकान किसी वकील का है। मुखबिर से मिली टिप को कंफर्म करने के लिए इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर के नेतृत्व में AATS टीम ने सादी वर्दी में ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके के मकान नंबर B179 पर नजर रखी तो उन्हें फ्लैट में कुछ सस्पेक्ट लोगों की एक्टिविटी देखने को मिली। सट्टे के ठिकाने का भंडाफोड़ करने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की DCP आशा पांडे ने सतपाल पनवार ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर के नेतृत्व में SI नागेंद्र कुमार, SI धीर सिंह, इंद्रजीत, राजीव कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज अमृत, मोहित कांस्टेबल देवानंद और मोहित की एक टीम का गठन किया। पूरी प्लानिंग के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को टीम ने फ्लैट नंबर B179 को चारों ओर से घेर कर छापेमारी की। टीम ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच पर पैसे लगाते 4 जुआरियों को मौके पर दबोच लिया। पूछताछ करने पर जुआरियों की पहचान 34 वर्षीय भारत खत्री उर्फ मोंटू पुत्र गुरदयाल, 29 वर्षीय दिविज उर्फानी पुत्र दलीप, 38 वर्षीय उपेंद्र पुत्र जगन्नाथ और 32 वर्षीय भुवनेश पुत्र दिलीप के रूप में हुई। चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जुआरियों के कब्जे से 38,920 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 LED, 1 कैलकुलेटर, 1 नोटबुक और मोबाइल चार्जर युक्त एक ब्रीफकेस बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना अमर कॉलोनी में FIR संख्या 569/22 जुआ अधिनियम की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। लगातार पूछताछ करने पर सभी जुआरियों ने खुलासा किया कि उनके पास कोई परमानेंट नौकरी या आजीविका कमाने का कोई अन्य साधन नहीं है। वे शराब और नशीले पदार्थों के आदी हैं। जल्दी पैसा कमाने के लिए इन्होंने चल रहे क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट मैचों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। पहला जुआरी भरत खत्री उर्फ मोंटू पुत्र गुरदयाल ने फरीदाबाद से 11वीं तक पढ़ाई की है। फिलहाल यह बेरोजगार चल रहा था अपने नशे की लत को पूरा करने और जल्दी पैसा कमाने के लालच में सट्टा खेलने लगा। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। दूसरा जुआरी दिविज उर्फानी पुत्र दलीप ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यह भी बेरोजगार चल रहा था, जल्दी पैसा कमाने के लिए सट्टा लगाने लगा। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तीसरा जुआरी उपेंद्र पुत्र जगन्नाथ ने 7वीं तक पढ़ाई की है। यह अयाशी की जिंदगी जीना चाहता था लेकिन बेरोजगार होने की वजह से अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। जल्दी पैसा कमाने के लालच में यह भी सट्टा खेलने लगा। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। चौथा जुआरी भुवनेश पुत्र दिलीप ने 12वीं तक पढ़ाई की है। यह भी बेरोजगार था, शराब और नशे की लत को पूरा करने के लिए सट्टा खेलने लगा। इसके खिलाफ भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या।
कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।